ये जो पैसे का बात कर दिया उन्होंने, पहले तो उनका संसार खुद संभाल नहीं पाया और बंगाल का जनता को संभालना इतना इतना मुश्किल है कि उससे नहीं होगा। वो खुद का संसार नहीं संभाल पाया, बंगाल का जनता को इतना गाली दिया बोलकर हम दलितों को, वो दलितों दलित उसको मत समझा देगा, 2 तारीख को पता चल जाएगा। देखिए, ऐसा किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दलित लोग मेहनत करने वाला है, वो लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन भिखारी नहीं है। उनको पता चल गए बंगाल से साफ हो रहा, इसकी वजह से कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे तो जनता थोड़ी ना समझेगा। 10 साल तक तो TMC को ही वोट दिया दलित समाज ने, अब BJP की तरफ शिफ्ट हो गया तो इसलिए ही भिखारी बोला। बिल्कुल सर, क्योंकि ये भी बोला कि इन्होंने BJP वालों ने खरीद लिया, इनको बिक गए दलित समाज। देखिए, ये जो पैसे का बात कर दिया उन्होंने, पहले तो उनका संसार खुद संभाल नहीं पाया और बंगाल का जनता को संभाल इतना मुश्किल है कि उससे नहीं होगा। वो खुद का संसार नहीं संभाल पाया, बंगाल का जनता को इतना गाली दिया बोलकर हम दलितों को, वो दलितों दलित उसको मत समझा देगा, 2 तारीख को पता चल जाएगा। क्या मुसलमान भाइयों का भी इस्तेमाल किया है क्या ममता? देखिए सर बंगाल का राजनीति में हम 34 साल पहले देखे, उसमें बाम सरकार ने, उसमें भी मुस्लिम तुष्टिकरण थे। दीदी ने तो पूरा का एकदम आसमान में चढ़ा दिया तुष्टिकरण। पर आप चाह रहे हैं, दीदी को भी 10 साल दिया बंगाल का जनता ने, 34 साल में जितना था अपॉर्चुनिटी कामकाज का पूरा खत्म कर दिया। ये 10 साल में कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, हम जो है बाहर काम को जाते हैं सर। अच्छा, हर एक आप बंगाल का हर एक घर का हर एक लड़का दूसरा कौन सा भी स्टेट में काम करने जाते हैं सर, जी कई भी। तो अगर बंगाल में अपॉर्चुनिटी रहता था, थोड़ी ना हम माँ बाप भाई बहन बाल बच्चे छोड़कर बाहर थोड़ी ना जाते थे। यहाँ से जाते महान लोग निकले, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस, ये यहाँ पर कल्चरल हब मान, ये बंगाल जो है कल्चरल हब माना जाता है इंडिया का। क्या इसको खत्म किया है क्या TMC और बाकी सरकारों ने? देखिए सर, आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले हमारा वो बंगाल का जो 2 बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट थे, उसमें दुनिया भर का लोग यहाँ में पढ़ने आते थे, ठीक है ना। आज प्रेसिडेंसी का बात समझ लीजिए, कहाँ है प्रेसिडेंसी का। आज बंगाल शिक्षा क्षेत्र में बोलिए, फिर अपना कुछ भी कल्चरल, बंगाल तो कल्चरल था, कल्चर के लिए पूरा वर्ल्ड में फेमस था, दुनिया भर में फेमस था। आज बंगाल का कल्चर क्या होगा मालूम है? आप अगर समझो आप तृणमूल का नेता हो, आपका बात मैं नहीं मान रहा हूँ, तो आप मुझे क्या बोल रहे हो कि तेरा घुटना तो रहेगा पर घुटने का नीचे का हिस्सा रहेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। जी सर, इस तरीके की बातें बोले सर? जी सर, तो दादा गुंडागर्दी हो गई। जी सर, ये तो आपको, आप लोग तो मीडिया का लोग है, आप लोग मुझसे ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा बेहतर जानते बंगाल में क्या चल रहा फिलहाल। अच्छा, फिर आप अगर पुलिस वालों के पास जाते हो, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो किस तरीके से एक्ट करते हैं? सर जी, आपका समझो, आपका 2 बच्चा है, वो बच्चे आपका बात ही सुनेगा ना, हमारा थोड़ी ना सुनेगा। अच्छा, तो पुलिस वाले ममता बनर्जी और भाईपो के बच्चे हैं? अभी वही तो उसका बच्चा है, ममता बनर्जी खुद पुलिस मंत्री है, ठीक है ना, आप किसका बात सुनेगा सर। तो क्या अब जब परिवर्तन आ जाएगा तब क्या लगता है आपको, जो चीजें सही ढंग से काम करेगी, सही तरीके से काम करेगी चीजें? देखिए सर, 34 साल बंगाल का लोगों ने दिया CPM को, 10 साल दीदी को दिया, अभी हम लोग बहुत सारे उम्मीद है भाजपा के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, ये कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ। क्योंकि जब मोदी है तो मुमकिन है। दादा क्या लग रहा है इस बार वेस्ट बंगाल में, थोड़ा पद्धो कमल खिल जाएगा, परिवर्तन? हाँ जरूर होगा। TMC की तरफ क्यों नहीं जा रहे इस बार लोग? देखिए, ममता दी जो बात बोल के इधर आया था बंगाल में, उन्होंने कोई काम लागू नहीं किया। क्या कैसे काम था जो लागू नहीं किया? देखिए, इधर पूरा जो कारखाना है पूरा बंद हो गया, बेकार लोग, युवा लोग बाहर काम करने के लिए चला जाता है, इधर रोजगारी नहीं है, और जो बेकार है इधर, यहाँ का जो शिक्षित लोग है, युवा लोग है, यहाँ का नौकरी नहीं है, सरकारी कर्मसंस्थान नहीं है, वो लोग जो TMC लोग है उनको काम देता है पैसा लेके, साधारण
दौरान लोग नहीं मिलता है काम। मुसलमानों का इस्तेमाल करे है क्या ममता बनर्जी ने? हाँ ऑब्वियसली वो चाहते है ये यहाँ पे जो मुसलमान वोट है 30% उनको तुष्टिकरण करता है, उनको तुष्टिकरण करके वो जो मेजोरिटी हिंदू लोग है इसको डराता है और उससे फायदा लेके हम लोग को दुर्बल करती है, ऐसा करता है वो लोग। ममता बनर्जी को चावल चोर त्रिपाल चोर क्यों बोला जाता है? वो तो चोरी किया है। चोरी किया है? कब चोरी किया? अब किसके? जब चावल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनका जो सांसद लोग है उसका घर में पूरा राशन चला गया और उनका तरफ से वो जो पचा हुआ चावल सड़ा हुआ चावल इधर चला आया और जिसका माथा में 10 किलो चावल था वो हम लोग 2 किलो 1 किलो मिला और नहीं मिला, सब पका हुआ चावल सड़ा हुआ चावल मिला है। टीएमसी के एक नेता ये बोलते हैं कि जो दलित समाज है वो भिखारी है, दलितों को भिखारी बोल दिया टीएमसी के एक नेता सुजाता मोंडाल खान ने, कहने का कारण क्या था? देखिए ऐसा किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, दलित लोग मेहनत करने वाला है, वो लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन भिखारी नहीं है। संपत घोष दादा क्या लग रहा है इस बार? इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो परिवर्तन होगा ही। परिवर्तन होगा? टीएमसी क्यों नहीं आ रही? टीएमसी क्यों नहीं आ रही इसमें? नहीं नहीं नहीं, इसमें तो टीएमसी सरकार का पतन होगा और बीजेपी आएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो सीट है लगभग 200 के ऊपर सीट आएगा, ठीक है। तो प्रशांत किशोर ने भी पलटी मार दी है, प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर ने पलटी मार दी है, बोल रही है प्रशांत किशोर ने बोला कि ममता बनर्जी ने यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति करी है। तो ठीक है, वो तो ममता बनर्जी तो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है ना, वो हम लोग सभी बंगाल का लोग जानते हैं ना, जितना का जो आमफान का पैसा है, जो गरीब आदमी का पैसा है, सब कुछ लूट रहा है, इसीलिए बंगाल का आज यही हाल है ना। मुसलमानों का इस्तेमाल करा है? मुसलमानों का इस्तेमाल करा है क्या ममता? उसमें कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का बोतर सेम रिलीजन ना, एक ही साथ हम लोग रहते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तुष्टिकरण का राजनीति ममता बनर्जी कर रहा है। ममता बनर्जी ने मुसलमानों का इस्तेमाल करा है क्या? मतलब सिर्फ वोट बैंक के लिए किया, उसके बाद उनके लिए कुछ ना किया? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मुसलमानों ने? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। अब ममता बनर्जी को दीदी और दीदी बोलने से भी चिड़ मच जाती है? नहीं, उसका तो उसका हिसाब है ना, उसका तो उसका वही जानते हैं, हम लोग का तो कोई इंटेंशन नहीं है। दीदी को हम लोग बंगाली में दीदी बोलते हैं। टीएमसी के एक लीडर सुजाता मोंडाल खान दलितों को भिखारी बोल देती है, तो उनका ही जानते हैं क्यों बोला है, ठीक है। क्यों बोला क्या लगा? वो उनका हिसाब से उनका ही जानते हैं, उनका तो वही बिहेवियर है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। बंगाल में मोदी जी आएगा तो अच्छा होगा, अच्छा होगा क्योंकि इधर पहले वो राज्य को रास था, ठीक है, अभी वो सेंटर का पार्टी बीजेपी उसका सोच अलग है, वो देश का 133 करोड़ आदमी है तो समर्थन उसका 105% उसका है। दादा विकास और उन्नयन की बात तो टीएमसी ने भी करी थी, जो अब बीजेपी कर रही है अलग क्या? बात तो करेगा है लेकिन कुछ सच करेगा है। देखो मोदी ने जो देश के लिए ऐसे ऐसे किया, तब बंगाल का आदमी था सब बोला, तो मोदी जी जो किया पूरा उन्नयन ने बोला अच्छा किया, ठीक है, इसीलिए मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर जो हमारा टीएमसी सरकार चल रहे है, टीएमसी सरकार से तुलावाजी चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा है, गुंडागर्दी सरकार चल रहा है, इसके चेंज करना पड़ेगा।